A very good afternoon to all of you. This is Abhilashan Atta, your political science teacher. So class, today we are going to start our new topic under the authority of a constitution. In our last class, we started this topic, the authority of a constitution. कि एक constitution की authority क्या है, कितनी powerful है और कोई भी कंट्री के जो citizens हैं उस constitution को क्यों मानेंगे, उसकी अथॉरिटी क्या है, राइट? तो अंडर दैट वी हैव डिस्कस्ड लाइक थ्री टॉपिक्स आर देयर, कि मोड ऑफ प्रोमल्गेशन, सब्सटेंसिव प्रोविजन एंड द बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिजाइन. ओके, सो वी डिस्कस दिस मोड ऑफ प्रोमल्गेशन. इट मींस हाउ आवर कॉन्स्टिट्यूशन और how constitution is formed. So with the example of India, we understood that ki humne apne elected representative ko choose kiya aur hamare elected representative ne kya kiya, hamare liye constitution banaya, right? Constituent assembly ki baat kare to indirect elections ke through hamare representatives choose hue the aur unhone hamare liye constitution ko banaya and डाइवर्सिटी को देखते हुए, कंट्री की जो एस्पिरेशंस है उसे देखते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया. ओके, सो नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द सब्सटेंसिव प्रोविजन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन. व्हाट इज द सब्सटेंसिव प्रोविजन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सब्सटेंसिव प्रोविजन का मतलब क्या है? हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर लिया और रिप्रेजेंटेटिव्स ने हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, बट हम उस कॉन्स्टिट्यूशन को कंसिडर क्यों करेंगे? व्हाई डू वी कंसिडर इट? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज द हॉलमार्क ऑफ अ सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन दैट इट गिव्स एवरीवन इन सोसाइटी सम रीजंस टू गो अलोंग विद इट्स प्रोविजन. कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन जो है सबको सोसाइटी में कुछ ना कुछ रीजंस देते हैं कि हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करेंगे, हम कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को हम फॉलो करेंगे. फॉर एग्जांपल, कोई भी एक गेम ले लीजिए. हम एक गेम के क्या करते हैं, हम एक गेम में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, हम उन रूल्स और रेगुलेशंस को क्या करते हैं, मानते हैं. कोई ना कोई रीजंस होते हैं कि हम उन्हें मानते हैं. फॉर एग्जाम्पल, टेक एन एग्जाम्पल ऑफ क्रिकेट. ठीक है, क्रिकेट का एग्जाम्पल ले लो, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो क्रिकेट एसोसिएशन ने उसने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए. ठीक है, और सब उसके अकॉर्डिंग मानते हैं कि क्या क्या होता है, कि लेग पे टच नहीं होनी चाहिए बॉल, और कुछ फीट पे दूरी होनी चाहिए, समथिंग लाइक दैट. बहुत सारे ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, राइट? वही अगर हम अपने घर के टेरेस के ऊपर जो क्रिकेट खेलते हैं, हम अपने आप रूल्स बना देते हैं कि अगर उस वॉल पे टच हो गया तो 6, ठीक है, और अगर उसके पहले वाले वॉल पे या उस वाली लाइन को क्रॉस करेगा तो 4. तो हम क्या करते हैं, हम अपने अकॉर्डिंग रूल्स बनाते हैं ना. अगर वो सोसाइटी में हम जितने भी पर्सन उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, कोई ना कोई रीजन है ना कि सब उस रूल्स और रेगुलेशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो जस्ट लाइक दैट अवर कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स एवरीवन इन सोसाइटी सम रीजंस टू गो अलोंग विद इट्स प्रोविजंस. कि जो भी प्रोविजंस हैं, जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए क्या होगी, जॉब रिजर्वेशंस होगी. तो इसके पीछे कोई ना कोई रीजन है कि सोसाइटी के जो पर्सनैलिटी, सोसाइटी में जो लोग रहते हैं, उन्होंने इसे क्या किया है, उन्होंने इसे एक्सेप्ट किया है. तो इसके पीछे ऑब्वियसली कुछ रीजंस हैं कि इक्वालिटी नहीं था, कास्ट बेस्ड डोमिनेशन था, डिस्क्रिमिनेशन था. ठीक है, तो उसमें वहां पे इक्वालिटी लाने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर्स ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या किया, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स और SABC कैटेगरी में क्या किया, उनको रिजर्वेशंस दे दी. तो ऐसे ही जितने भी लॉज बने हैं, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में लॉज बनते हैं, तो वो कोई ना कोई ऐसा प्रोविजंस जो है सोसाइटी में कुछ ना कुछ ऐसे रीजंस देते हैं लोगों को, जो उन्हें क्या करे, उन्हें एक्सेप्ट करे, कंसिडर करे. ओके, नाउ टेक एन एग्जांपल ऑफ लाइक एक एग्जांपल लेते हैं.
कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडिंग प्रिविलेजेस टू सम मेंबर्स, ठीक है, कि एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है, इट अलाउड परमानेंट मेजोरिटीज टू ऑप्रेस माइनॉरिटीज, कि आप एग्जांपल ले लो कि जो परमानेंट मेजोरिटीज है, लास्ट ईयर हमने क्या किया, लास्ट ईयर हमने पावर शेयरिंग पढ़ा था क्लास 10th में, उसमें हमने देखा मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका में, श्रीलंका में क्या था, सिन्हाला कम्युनिटी की क्या थी, मेजोरिटी थी, और वो कौन से पॉलिसीज और मेजर्स को फॉलो कर रहे थे, वो मेजोरिटेरियन पॉलिसीज को फॉलो कर रहे थे, ठीक है, तो इससे क्या हुआ, वो माइनॉरिटीज को ऑप्रेस कर रहे थे, और कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज क्या हुई, माइनॉरिटीज ने एक ऐसी सिचुएशन अराइज हो गई, सिविल वॉर की सिचुएशन अराइज हो गई, ठीक है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ मेंबर को अगर प्रिविलेजेस दे भी देते हैं, तो माइनॉरिटीज would give minorities no reason to go along with the provision of the constitution, कि बुद्धिज्म, जैसे श्रीलंका में जो हमने पढ़ा, बुद्धिज्म को फॉस्टर करना है, तमिल्स का जो रिलीजन था उसको तो कुछ कंसिडर ही नहीं किया, तो यहाँ पे उनको उस वो कॉन्स्टिट्यूशन उनके लिए कुछ नहीं है, कि उन्होंने बोला कि हमारे लिए ये जो प्रोविजन है मतलब नहीं रखता है, हम इनके इसके अगेंस्ट हम क्या करेंगे, हम स्ट्रगल करेंगे, हम बोलेंगे। तो कोई ना कोई रीजन होना चाहिए एक कॉन्स्टिट्यूशन में, जिससे कि जो लोग है उसे कंसिडर करें, कि कुछ एक्सेप्टेबल होना चाहिए वो। ओके, नाउ व्हाई वुड द अदर सेक्शन अप्रूव इट, ऑब्वियसली मेजॉरिटी सम मेंबर्स को, हमने कुछ मेंबर्स को प्रिविलेजेस दे दी, फॉर एग्जाम्पल आपने अपनी गली में जो आपके गली में कुछ रिलीजन ए के लोग रहते हैं, कुछ रिलीजन बी के लोग रहते हैं, कुछ रिलीजन सी के लोग रहते हैं, ठीक है, और आपके गली में क्या हुआ, आपने देखा कि खाली जो प्रिविलेजेस मिली गई है, कि जो हमारे गली का या हमारे सोसाइटी का जो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट कौन होंगे, वो रिलीजन ए का बंदा ही क्या है, प्रेसिडेंट है, रिलीजन बी का बंदा ही वाइस प्रेसिडेंट है, रिलीजन बी और सी को तो जो है आप बोल दो कि कोई प्रायोरिटी नहीं मिल रही, खाली रिलीजन ए को मिल रही है, तो आप ऐसे मेंबरशिप को या फिर सोसाइटी की इस उनके बनाए गए नॉर्म्स को आप नहीं अप्रूव करोगे, राइट। So that's why it is important कि जो भी हम constitution बनाए वो society के country के हर एक citizen उसे क्या करे, उसे approve करे, कोई ना कोई reason होना चाहिए कि वो उसके provisions को माने। Okay, so now what is making Indian constitution a acceptable constitution? Now take हम अपने Indian constitution की बात करते हैं, तो Indian constitution में ऐसी क्या चीजें हैं कि हम उसे क्या कर रहे हैं, हम उसे accept कर रहे हैं, हम उसके reason हम उसे abide नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे क्या reasons हैं? तो हमारा जो Indian constitution है, first of all इसके जो आइडल्स है क्या क्या है, इक्वालिटी, फ्रीडम, इंक्लूसिवनेस, फ्रेटर्निटी, सोवेरेनिटी, ठीक है, तो दीज आर सम ऑफ द आइडल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारी सोसाइटी में जितने भी लोग हैं, हमारी सोसाइटी इंडिया जो है मोस्ट डाइवर्स नेशन है, सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी इंडिया में ही पाई जाती है, ठीक है, लैंग्वेज के बेसिस पे, कल्चर के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी इंडिया में पाई जाती है, और इंडिया में हर एक पर्सन जो है, यहाँ के सिटीजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करते हैं, क्यों, हमें कैसे पता चला, क्योंकि इट इज लाइक अबाउट 70 years ऑफ आवर इंडिपेंडेंस, 70-75 years हमने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया है, एक्सेप्ट किया है, हम उसके अगेंस्ट नहीं बोलते हैं, हम मानते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे सुपीरियर है, राइट, बिकॉज हर एक ग्रुप, चाहे वो माइनॉरिटी हो, चाहे वो शेड्यूल्ड कास्ट हो, चाहे वो शेड्यूल्ड ट्राइब हो, हर एक सोसाइटी, हर एक कम्युनिटी जो है वो क्या कर रही है, उनके पास कुछ ना कुछ रीजन है
कि वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वो क्या करे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करे, ठीक है, इक्वालिटी है, ठीक है, कोई रच ऐसा नहीं है कि कोई रिच है तो उसके लिए लॉज अलग है, कोई पुअर है तो उसके लिए लॉज अलग है, सबके लिए लॉज इक्वल है. वी ऑल हैव दिस राइट, राइट्स, फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे पास. हमारे पास फ्रीडम है, फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है. हम कहीं पे भी जाके कोई भी ऑक्यूपेशन जो है हम वो प्रैक्टिस कर सकते हैं. इंक्लूसिवनेस है कि हम, इंक्लूसिवनेस का मतलब आप ये समझ लीजिए, सोसाइटी में चाहे वो डिसेबल पर्सन हो, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी क्रीड का हो, हम उसे क्या करते हैं, हम साथ में मिलके रहते हैं, हम साथ में जो है यूनिटी के साथ रहते हैं. सो दिस इज व्हाट मेक्स आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्टेबल, बिकॉज दीज ऑल प्रोवाइड अ रीजन टू डू अलोंग विद इट. कोई ना कोई ऐसा रीजन देता है जिससे कि हम क्या है, हमारी जो सोसाइटी है इसके प्रोविजंस को मान रही है, राइट. अब जैसे कुछ माइनॉरिटी सेक्शंस भी है हमारे इंडिया में, तो अब माइनॉरिटी क्यों मान रही है, क्योंकि हमारे फंडामेंटल राइट्स में एक राइट्स जो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, वो माइनॉरिटी को राइट्स देती है कि यू कैन मेक योर ओन इंस्टीट्यूशन, यू कैन एस्टेब्लिश योर ओन ऑर्गेनाइजेशन, एंड टू प्रोटेक्ट द लैंग्वेज, टू प्रोटेक्ट योर कल्चर, टू प्रोटेक्ट योर टू प्रोटेक्ट योर रिलीजन, आप क्या कर सकते हो, इसे स्प्रेड कर सकते हो, ठीक है, आप स्टैब्लिश कर सकते हो ऑर्गेनाइजेशन को, इसके इससे रिलेटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना सकते हो. सो ये हमारा, ये माइनॉरिटीज का क्या है, राइट है. दैट्स व्हाई माइनॉरिटीज भी क्या कर रही है, इसे एक्सेप्ट कर रही है. तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ना कुछ ऐसे रीजंस हैं जो जिसके वजह से हम क्या कर रहे हैं, हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं. ओके, ऑल दीज. सो द मोर अ कॉन्स्टिट्यूशन प्रिजर्व्स द फ्रीडम एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल इट्स मेंबर, द मोर लाइकली इट इज टू बी सक्सीड. सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए फ्रीडम है, इक्वालिटी है, तो वहां की सोसाइटी उसे डिनाई ही नहीं करेगी, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो आप बोलते हो, राइट जो बोलते हो, वो इक्वालिटी और फ्रीडम का होता है. यू कैन लिव योर लाइफ एज यू वांट टू, आपके पास इक्वालिटी है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, इल ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है आपके आपके साथ. सो दैट्स व्हाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज अ मोस्ट, यू कैन से मोस्ट फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड के, बिकॉज ये यहाँ के सिटीजन्स को क्या है, वो सारी चीजें प्रोवाइड करवा रहा है, वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड है जो वहाँ के सोसाइटी चाहती है, ठीक है, इक्वालिटी, फ्रीडम, रेसिज्म नहीं होगा, पीसफुल एनवायरमेंट को स्प्रेड करना, ठीक है, ऑल दीज थिंग्स. सो देर आर सम क्वेश्चंस लाइक कि ये सब्सटेंसिव प्रोविजन जो है, हम क्यों इंडिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हमने क्यों एक्सेप्ट कर रखा है, इसके लिए हम और भी चैप्टर्स पढ़ेंगे इस बुक में, जैसे कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशियरी और बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, फ्रीडम. देर आर सो मेनी चैप्टर्स, इलेक्शंस एंड रिप्रेजेंटेशन, जिससे कि हमें पता चलेगा कि व्हाई वी आर एक्सेप्टिंग आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज इट इज गिविंग, it is given us some reasons to some reasons to accept its provision. Okay, so this is all about today. Thank you everybody for joining the class. Please take care of yourself, stay safe, bye bye.